ये बाइक 80 पे है भाई। गाइस बबल है गाइस बबल है, याद आ गई। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो भैया, अभिषेक भैया, शुभम शर्मा, रंजन सेमवाल, परम भाई, संचित भाई और मयंक भाई, सभी भाई जो मेरा हाय। अगर कोई भी भाई मेरी वीडियो देख रहा है भाई, कमेंट जरूर कर देना एक, मैं बहुत मिस करता हूँ आप लोगों को ना भाई। जय श्री राम गाइस, जय श्री राम, सब भाइयों को नमस्ते, जय श्री राम। और भाई मेरी YouTube पे मेरी कुछ वीडियो पे कमेंट्स आए थे कि इस बाइक में वॉबलिंग इशू अभी भी है या नहीं है। सो अभी हम उसको टेस्ट करने वाले हैं। मेरा वेट ऑलमोस्ट 60 है और दुर्गा का भी ऑलमोस्ट 60 kg ही वेट है। सो हम 120 किलो, मतलब बाइक पे इस टाइम चल रहा है, ठीक है ना। अभी चेक करते हैं कि वॉबलिंग इसमें होती है या नहीं होती। देखो गाइस, अभी तक कोई वॉबलिंग नहीं हुई, 40 की स्पीड पे कोई वॉबलिंग नहीं हुई है। अभी यहाँ पे आगे कैमरा वगैरह लग रहा है तो मैं अभी हाथ नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा आगे जाके मैं अपना हाथ वगैरह छोड़ूंगा अच्छे से ना, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि 40+60 पे इसमें वॉबलिंग इशू हमें फेस करना पड़ेगा या नहीं। देखो गाइस, नो वॉबलिंग इशू, नो वॉबलिंग। 60 पे भी इसमें कोई वॉबल नहीं आया है भाई। मेरा चलान ना आ जाए, क्या कैमरा का फेस इस साइड था भाई, मेरा चलान ना आ जाए यार, गाय डर लग गया भाई, ये वीडियो बनाने के चक्कर मेरा चलान ना कटे भाई। अरे यार गाय धक धक हो रही है, गाय धक धक हो रही है, टेंशन का माहौल बन गया है। एक अभी कैमरे में कभी एक कार से चलान, ये कंट्रोल रूम में बैठे रहते हैं, ये कैमरे की लाइव वो चलती रहती है भाई फुटेज। अरे यार गाइस, भाई कोई देख रहा हो चंडीगढ़ से, मैं केवल टेस्ट कर रहा था, मैं कुछ वो नहीं कर रहा था भाई, स्टंटबाजी नहीं कर रहा था मैं। तो अभी गाइस मैं थोड़ा सा ना आगे दिखाऊंगा आपको ना, इसमें वॉबल होगा या नहीं होगा। अभी यहाँ से गाइस थोड़ा खतरे से बाहर निकल जाए ना अपन लोग, खतरे से बाहर निकल गए तब मैं इसको ईजिली बड़े प्यार से शूट कर पाऊँगा। गाइस मुझे ना अपना इसका गुड़गांव का याद आ रहा है यार, जब मैं गुड़गांव जाता था, दिल्ली जाता था, तो वो रास्ते की मुझे याद दिला रहा है गाइस, याद आ गई। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो भैया, अभिषेक भैया, शुभम शर्मा, रंजन सेमवाल, परम भाई, संचित भाई और मयंक भाई, सभी भाई जो मेरा हाय। अगर कोई भी भाई मेरी वीडियो देख रहा है भाई, कमेंट ज़रूर कर देना एक, मैं बहुत मिस करता हूँ आप लोगों को। आगे चेक करेंगे गाइस, अभी थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक से निकल जाएँ, और अपना मेन तो ट्रैफिक से ज़्यादा खतरा है अपना कैमरा, कि यहाँ के कैमरे से बच के निकल जाए भाई। गाइस पता है चंडीगढ़ से पंचकुला आधा पौन घंटा दूरी पे है, बहुत दूर पड़ा पता है। आज फोन चला रहा भाई अभी भी। अपने को लेफ्ट लेना है तो यहीं से काट लेते हैं सुरते बन के। मीटर आगे लेफ्ट, ओके गुड। आगे से भी पहले लेफ्ट ही लेना पड़ता तो राइट साइड में खड़े होके, तो उससे बढ़िया है वैसे ही यहीं से ले लो। गाइस देखो अब मौसम कितना बढ़िया हो गया, बिल्कुल फाइन मौसम हो रखा है, और दोपहर तक इतना गंदा चीप घटिया बिल्कुल छी वाला मौसम हो रखा था भाई। और गाइस मेरी वीडियो पे कम से कम काफ़ी सारे कमेंट आए थे, काउंट नहीं करे, बस मुझे एक कमेंट याद है, ये रहा मेरा डिस्प्ले पे कमेंट जिन भाई का आ रहा है, मैं उन भाई को थैंक यू बोलूंगा, भाई आपके साथ ये इशू हो रहा है और आपने मेरे साथ कमेंट शेयर किया। अरे कहना क्या चाहते हो? और आपने मेरे साथ कमेंट किया उसके लिए थैंक यू। और जैसे कि आपने अभी देखा कि 60 तक इसमें कोई वोबल इशू नहीं आया बाइक में, ठीक है ना। अभी मैं इसके ऊपर भी चेक करूंगा कि इसके ऊपर भी इसमें वोबल इशू कुछ ना कुछ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि देखो वोबलिंग तब करते हैं जब आपकी बाइक पे थोड़ा सा वेट लाद रखा हो पीछे, ठीक है ठीक है, जब आपका लगेज वगैरह थोड़ा बहुत हो ये वोबल तभी करेगा। अभी मैं उसको आगे टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इसका वोबल इशू है या नहीं है। ओहो चारकोल 800 मीटर, 700 मीटर आगे से मैं राइट लेना है गाइस। गाइस मैं यहाँ चेक नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ गुप्त कैमरा मिल सकता है गाइस, गुप्त कैमरा जो कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। गाइस देखो अभी बाइक चल रही है अपना 80 पे, ठीक है, मैं हरियाणा सरकार थोड़ा आगे निकल के हाथ छोड़ूंगा। अब देखो
अभी बाइक 80 पे है भाई। गाइस वोबल है गाइस, वोबल है वोबलिंग है, बहुत ही माइल्ड वोबलिंग है, बहुत ही माइल्ड वोबल हुआ गाइस, वोबल हुआ 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 भाई हुआ, वोबल माइनर सा वोबल हुआ है। मुझे नहीं पता कि वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है, मैं नहीं जानता, ठीक है। अगर हुआ है तो भाई कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ, बाकी मैं इसको केयरफुली देखूंगा एक बार, क्योंकि मेरा फोकस सामने ही था, मैंने वो बल्ब पे बहुत कम ध्यान दिया, ठीक है ना। मेरे हिसाब से सिंगल जब हम जब राइड करेंगे तो जब ये वो बल्ब नहीं करेगा, मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं करेगा। अभी हमारा वेट भी ज़्यादा है दोनों का बाइक पे, थोड़ा सा लगेज भी ले रखा है 5-7 किलो का, ठीक है। तो हो सकता है कि इस कारण से ये वोबलिंग थोड़ा सा कर रहा हो। तो ये भी भाई, जिन भाई का ये डाउट था, जिनका भाई कमेंट आया था, भाई प्लीज़ देख लो आप, ये कितनी देर में खुली रेड लाइट, 5 मिनट, 5 से 6 मिनट में ये रेड लाइट खुली है गाइस। ओ भाई राइट जान दो भाई हमें। तो गाइस अभी जैसे आप लोगों ने चेक किया कि इसमें वोबल इशू 40 तक 60 तक नहीं आया, पर 80 पे बहुत ही माइनर सा वोबल आया, और ऑब्वियसली अगर हम इसको 80 से ऊपर लेके जाएंगे तो वोबल थोड़ा थोड़ा भाई इन बाइकों में आएगा। ये उस सेगमेंट की बाइक नहीं है जो कि 9 लाख 10 लाख कावासाकी जो आती है, उस सेगमेंट की बाइक नहीं है। और ये ले आज बैठे वो बोही मियाँ वो ये भाई कमर का कुछ रोक करना हो, ओले ओले बेटे सुपर बाइक। गाइस ये हाँ देखेगा ही गाइस, ऐसा पोस्चर ना मुझे मतलब बड़ा गंदा लगता है। आप इस पोस्चर में तब इन्वेस्ट करो जब आप किसी सुपर बाइक की तरफ जा रहे हो। अगर इन दोनों बाइकों की टक्कर हो गई तो भाई कौन सी बाइक जीतेगी, सही से बताना गाइस, मुझे सही से बताना गाइस। अगर टक्कर कर दी, अबे तू कहाँ से कुल्ला कर रहा भाई बस वाले, देखो देखो इसने कहाँ से निकाल रहा है। गाइस आपको पता है ट्रैफिक के मामले में अपना मेरठ और दिल्ली बहुत सही है, कि जैसे यहाँ के लोग अपना ड्राइव करते हैं, ठीक है ना, यहाँ की ड्राइविंग स्किल्स बहुत डिफरेंट है भाई हर जगह से। अनाड़ी जिसको बोलते हैं ना वो हैं, और स्पेशली ये बस वाले लोग, हरियाणा बस को तो भाई मैं खिताब दूंगा इस चीज़ का। भाई यहाँ तो पड़ी है बारिश, ठीक ठाक पड़ी है बारिश। चीनू फोन क्यों कर रहा है बाइक चलाते हुए, फोन काट। चीनू भाई कमेंट कर दियो अगर वीडियो देख लियो तो मेरी। गाइस देखो इसका वोबल इशू चेक करूंगा मैं, इसमें है या नहीं है। गाइस वोबलिंग है, बहुत माइनर सी वोबलिंग है, बहुत 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 माइनर सी वोबलिंग है इसमें, ठीक है। अब मैं इस वोबल को काउंट ही नहीं करूँगा वोबलिंग में, ठीक है। इतना फुल का डगमगाना भाई किसी किसी बाइक में हो जाता है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी सुपर बाइक्स में रहता है, ठीक है ना, और स्प्लेंडर तक में भी आपको नहीं मिलेगा, और मिल भी सकता है। मेरे हिसाब से तो मतलब कि ये वोबल नहीं है, मैं इसको वोबल में काउंट नहीं करूँगा, बहुत ही माइनर सा वोबलिंग आ रहा है बस यार। मतलब साइकिल वाले जैसे जिगरा चाहिए भाई। तो गाइस दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ क्लियर हो चुका है, वोबलिंग है पर लेकिन बहुत ही माइल्ड वोबलिंग है, वैसी वोबल नहीं है जैसी लोगों ने वीडियो बनाई थी। बाकी मेरी बाइक के जितने भी डिसएडवांटेजेस थे मैंने सब कुछ आपको बता दिया, क्लियर कर दिया, और ये इसमें नहीं था भाई, मैं क्लियर करता हूँ सारी चीज़, जो होगा सच होगा, सच्ची के सिवा कुछ नहीं होगा। ये डायलॉग अच्छा है ना। तो भाई जो था
सामने मैंने भाई बता दिया, ठीक वो बल होता तो मैं भाई में बता देता, नहीं है तो मैंने नहीं बताया। सो गाइज यही था ब्लॉग, और इतना ही था मेरा ये वॉबलिंग वाला ब्लॉग। जिसके भी भाई डाउट थे अगर क्लियर हो चुके हों तो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना कि भाई मेरे क्लियर हो चुके हैं, वॉबलिंग इशू नहीं है। और एक दूसरा भी कमेंट था, मैं उस पर भी जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, वो था मेरा यूनिवर्सल टायर हगर के लिए, कि वो मेरे टायर हगर कैसे निकला, हगर ने हक दिया या नहीं हगा, ठीक है वो उसके लिए था। वैसे मेरे टायर हगर ने पूरा हक दिया क्योंकि वो टूट चुका है, वो बिल्कुल घटिया बेकार साला 800-900 रुपए का वो टायर हगर मंगवाया है यार, इतना महंगा, वो बिखर गया बिल्कुल, लोहा टूटा, प्लास्टिक टूटती तो ये भी होता भाई, मतलब कि प्लास्टिक टूटी है भाई, कि प्लास्टिक टूट गई, लोहा टूट गया भाई, टायर हगर ने हक दिया भाई। अरे ये कुत्ता भौंकता है पीछे, साबुन का पानी कहाँ से आ गया सड़क पे। सो गाइस चलो अलविदा लेते हैं, बाय बाय, नमस्ते, टाटा, वीडियो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।